नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार चरम पर है और हम इस वक्त है वार्ड संख्या 19 में। यहां से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल चुनाव मैदान में है। तो नवीन भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे वार्ड में अनेकों समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है यहाँ पे जो सफाई की समस्या है, वो मेन मुद्दा है। हमारे वार्ड में पिछले 10 साल से कंटिन्यू यहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल इतनी गंदी हो चुकी है कि नगरपालिका कर्मचारी यदि आते हैं, कूड़ा निकाल जाते हैं, तो कूड़ा बाहर पड़ा रहता है। उसके अलावा यहाँ सड़कों की समस्या, जहाँ बारिश पड़ती है जल भराव की समस्या आ जाती है। बहुत सी मैन गलियाँ ऐसी हैं, क्योंकि मैन नाला बंद हो चुका, उसके बाद यहाँ पानी भी भर जाता है। तीसरी समस्या है यहाँ जो रोडों पे आवारा लड़के खड़े रहते हैं स्कूल टाइम में, तो उसके लिए हमने सोचा है कि यदि पब्लिक का हमें सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, जितने भी यहाँ चौपले होंगे, चौराहे होंगे, वहाँ पे हम CCTV लगवाने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। इन मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जो भी व्यक्ति चाहे उसकी विधवा पेंशन हो, वैसी 60 साल की पेंशन हो, गरीब व्यक्ति हो, हम उसके सहयोग में पूर्ण रूप से 24 घंटे खड़े रहेंगे। अच्छा, आपके वार्ड में देहात का एरिया पहली बार जुड़ा है, तो इन क्षेत्रों में जो देहात क्षेत्र के हैं, गांव पंचायतों का एरिया आपके वार्ड में जुड़ा है, उनके विकास के लिए क्या कोशिश रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ देहात क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी सबसे मेन मुद्दा है। वहाँ हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है पानी निकाय की। उसमें जो पानी भरा हुआ है, वो पिछले कई वर्षों से वहाँ लोग रह रहे हैं, उनका रहना भी दुश्वार हो गया। उसके लिए मैंने पूर्ण रूप से पहले भी प्रयास किया और आज भी प्रयास करूँगा। वहाँ पे जो है नाला बनवाना है, मेन मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा आवास विकास कॉलोनी का, उस क्षेत्र के वासियों का ये है। मैं उसके लिए पूर्ण रूप से जितना मेरे से होगा, उससे अधिक मैं उसको नाले को बनवाने का, विकास कार्य करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। जो गरीब तबके के लोग आपके वार्ड में हैं, उनके लिए क्या कोशिश आप करें? देखिए, जो गरीब तत्वे के लोग हैं, मैं उनके लिए जहाँ तक भी होगा, मैं उनके लिए हर तरह से शिक्षा में, जहाँ तक जो गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी वो उन तक पहुँचाऊंगा, और जो जितना मेरे से होगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ, और जितना मेरे से होगा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करूँगा। तो ये है नवीन गोयल, जो कि वार्ड 19 से निर्दलीय प्रत्याशी है। इनका कहना है कि सभासद पद के तौर पे इनकी कोशिश रहेगी वार्ड का माहौल सुधारने की और वार्ड वासियों की जो भी समस्या है, जिनसे लोग परेशान हैं, उनका समाधान कराने की।